दोस्तों, उर्दू से हिंदी सीखने के इस सबक में आज मैं बात करूंगी हिंदी के हर्फ खा पर। तो आज के इस वीडियो में खा से बनने वाले तमाम अल्फाज की तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो हम शुरुआत करते हैं अपने लेसन की। यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो लफ्ज लिया है वो है खजूर। आप उर्दू में देख सकते हैं काव दो चश्मी है जीम वाव रे, और हिंदी में खा जामे ऊ की मात्रा और रा खजूर। उसके बाद मैंने लिया है खंजर, यानी एक तरफ खा की आवाज है और दूसरी तरफ खा की आवाज है। तो उर्दू में हमारे पास खा यानी खे मौजूद है, हिंदी में इसके लिए एक डॉट नीचे लगाते हैं तो वो खा बनता है। तो खा के नीचे एक डॉट, एक नुक्ता, एक बिंदी और उसके ऊपर अंग की बिंदी, खन जा रा खंजर। उसके बाद है खलनायक। तो दोस्तों, ये हिंदी का लफ्ज है जिसका मतलब होता है विलेन। खाला खल, ना में आ की मात्रा या का, खलनायक। और अगर आप इस खल को निकाल दें, नायक का मतलब होता है हीरो। उसके बाद मैंने लफ्ज लिया है खुशबू। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है कि एक आप नुक्ता लगाएंगे खा के नीचे ख की आवाज बनाने के लिए, उसके बाद ऊ की मात्रा, फिर आधा शा और बा में बड़े ऊ की मात्रा, खुशबू। उसके बाद है खिलाड़ी। यहाँ पर आप देख सकते हैं काव दो चश्मी है। तो खा में छोटी ई की मात्रा, ला में आ की मात्रा और डा में बड़ी ई की मात्रा, खिलाड़ी। फिर है खलियान। खा ला में छोटी की मात्रा, हा में आ की मात्रा और ना खलहान, खलिहान। खुरपी। खा में छोटी ऊ की मात्रा, रा और पा में ई की मात्रा, और यहाँ पर हमने ऊ की मात्रा को पेश के साथ हमारा काम चलता है उर्दू में खुरपी लिखने के लिए। फिर है खैरात। तो यहाँ पर भी नुक्ता लगाया गया है ख की आवाज बनाने के लिए, ए की मात्रा, रा में आ की मात्रा और ता खैरात। फिर है खमियाजा। खमियाजा में भी नुक्ता लगाया गया है खा को खा में तब्दील करने के लिए, और इधर जा में एक नुक्ता लगाया गया है जा की आवाज बनाने के लिए। तो हो गया खमियाजा। फिर है खंजर। खा में एक डॉट और फिर ऊपर एक डॉट जो अंक की मात्रा है, जा रा खंजर। फिर है खलबली। खा ला बा, ला में बड़ी की मात्रा, खलबली। उसके बाद है खिलवाड़। खा में छोटी की मात्रा, ला वा में आ की मात्रा और रा खिलवाड़। फिर है खींच तान। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप काव दो चश्मी है, ये नून चे खींच। यहाँ पर क्या है, खा में बड़ी की मात्रा और एक अंग की बिंदी, चा खींच, ता में आ की मात्रा और ना खींच तान। फिर है खंडहर। खा में अंग की बिंदी, खंड ड हर, खंड हर। उसके बाद है ख्याल। ख्याल आधा खा के साथ लिखा जाता है। और दोस्तों, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि इसमें आधा खा क्यों है या इसमें आधा कोई भी अक्षर या हर्फ आधा क्यों आ रहा है। तो ये आपको एज इट इज याद करना होगा, क्योंकि इसके लिए कोई उसूल नहीं है। ये इसकी स्पेलिंग है और ये आपको याद करनी पड़ेगी कि कौन सा लफ्ज शुरू होता है जिसमें हम किसी भी हर्फ को आधा लिखते हैं या किसमें मुकम्मल लिखते हैं। इसके लिए आपको इसे याद करना पड़ेगा। ख्याल या खा के नीचे एक डॉट, ख या म्या की मात्रा और ला ख्याल। उसके बाद एक लफ्ज मैंने लिया है हिंदी का ख्याति। तो ये भी आधे खा से लिखा जाता है, या म्या की मात्रा और ता में छुट्टी की मात्रा, ख्याति। ख्याति का मतलब होता है शोहरत। उसके बाद है ख्वाहिश। तो यहाँ पर भी खा के नीचे एक डॉट, वा में आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, हा में और शा, ख्वाहिश। फिर है खटका। खटका, खा ट का में आ की मात्रा, खटका। फिर है खुरचन। खा में छोटे ऊ की मात्रा, र चा ना, खुरचन। फिर है खान पान। खा में आ की मात्रा ना और पा में आ की मात्रा ना, पान, खान पान। खंभा। तो यहाँ पर अंग की बिंदी है, खम भा में आ की मात्रा, खम्बा। फिर है खटारा। खा टा में आ की मात्रा और रा में आ की मात्रा, खटारा। फिर है खाप। देखिए, खाप भी आधे खा से शुरू हो रहा है, उसके नीचे एक डॉट लगाया गया है ख की आवाज बनाने के लिए, वा में आ की मात्रा और बा ख्वाब। फिर
फिर है खटाई, खा टा में आ की मात्रा और बड़ी ई खटाई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए हमारी ये पेशकश थी। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।